बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र BSc थर्ड ईयर में है बॉटनी का फर्स्ट पेपर लेके आए। आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप MJP RU रोलखंड यूनिवर्सिटी से हो, मेरठ यूनिवर्सिटी से हो, देखिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हो, या फिर कह सकते हैं आप बनारस यूनिवर्सिटी जैसे कह सकते हैं, जो आपका वो नहीं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है उसका हो सकते हो, आप किसी भी मतलब किसी भी सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी के हो, या फिर आप आगरा यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, डॉक्टर भीमराव यूनिवर्सिटी, मतलब कि यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। मेरा मतलब कहने का ये, अब देखो इन लोगों ने क्या कर रखा है, सिलेबस को पहले जो था, जो पहले शिक्षा नीति थी 2020 को छोड़कर पहले की जो थी, उसमें क्या किया गया बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात को। उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी ने पैटर्न अपना अलग रखा, कुछ यूनिवर्सिटी ने पैटर्न अलग रखा, कुछ को यूनिट को ऊपर नीचे कर दिया, बाकी सिलेबस सब वही रहा। उन्होंने चेंज क्या किया, यूनिट को आगे पीछे कर दिया, पेपर को ऊपर नीचे कर दिया, मतलब कि पहले पेपर को थर्ड बना दिया, थर्ड पेपर को फर्स्ट बना दिया। तो आप यहां घबराना नहीं है आपको, मैं यहां फर्स्ट पेपर मैंने आपको नाम दिया है, आप जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जो जो आपके गैस पेपर में मिले, क्वेश्चन बैंक में मिले, बस वही पढ़ लेना यार, कुछ और मत पढ़ना। मैं आपको बोल रहा हूं जो जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, फर्स्ट पेपर ओपन करो और मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर यहां क्वेश्चन बताने वाला हूं, उनको आंसर आपको खुद याद कर लेना है, क्योंकि आंसर कैसे याद करोगे। देखो करने का तरीका क्या हो सकता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अब तक जो पढ़ा है आपने, जो किताब नोट्स वगैरह गैस पेपर वगैरह सीरीज वगैरह मार्केट से लेके आए हो, अब मैं मान लो मैं अपनी तरफ से दे दूं, 10-15 दिन आपके पेपर के बचे हैं, मैं अपना भी नोट्स दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे नोट्स से पढ़ लेना, नोट्स डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है नोट्स होगा, जाओ डाउनलोड कर लो, फ्री में भी दे रहा हूं मैं आपको नोट्स, प्ले स्टोर पर जाकर देख लेना, पेपर हैकर के कम से कम 250-300 ऐप पड़े हैं प्ले स्टोर पर, ठीक है पेपर हैकर के, तो समझ लो, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो वहां से। मैं एक वेबसाइट बना दूंगा पूरा सिस्टम, वेबसाइट का लिंक paperhacker.in है, गूगल पर सर्च कर लेना, ठीक है वहां भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है paperhacker.in का, www.paperhacker.in सिंपल सर्च कर देना या paperhacker.in करोगे तो भी आ जाएगा, समझ रहे हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। मेरा ऑनलाइन स्टोर भी है, मतलब हम लोग ऑनलाइन जो बेचते हैं कोर्सों को वो भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप सिंपल पेपर हैकर ही डालोगे तो वहां इंस्टा मोला का मिल जाएगा एक अकाउंट, वहां आपको सिंपल तरीके स्टोर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम लोगों ने सब सुविधाएं कर रखी हैं आपको, कोई भी दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, आप किसी भी पोजिशन में हो। मैं आप बता रहा हूं कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, हमें बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है, मैं आपको सही रास्ता बता सकता हूं, ठीक है। तो क्योंकि मुझे अनुभव है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना, उसका जरूर मैं आपको एक तोड़ निकालूंगा ना, क्योंकि हर गलती का या हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, समझ रहे ना, उस सोल्यूशन को निकालने की कोशिश मैं करूंगा अपनी तरफ से। कोई भी दिक्कत आ रही है आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज रिप्लाई नहीं करते हैं तो हमने दो नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दो नंबर दे रखे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप दोनों नंबर पे चलेगा, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप नहीं मिल रहा तो उसके नीचे वाला एक नंबर और है बबलू सर का, आप उस पर मैसेज करिए, उस पर रिप्लाई मिलेगा आपको, रिप्लाई जरूर मिलेगा, उसका क्या सोल्यूशन है उसका जरूर आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। आप दो नंबर हम दे रहे हैं आपके, दोनों नंबर पर आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, कॉल मेरे नंबर पर कर सकते हैं, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताना। अब बात करने वाले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो आपको 85% यूपी की आल यूनिवर्सिटी के लिए 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूं, इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाओगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो लगभग 16 से 18 क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चनों को पढ़कर आप 85% लाने वाले हैं, मतलब कि 2022 के आप टॉपर बनोगे, 2022 के आप टॉपर बनने वाले हो। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए यार, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब यहां देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, गेहूं बा चावल और गन्ना की उत्पत्ति कृषि एवं आय। अब यहां देखिए यहां बोला क्या गया, पहला क्वेश्चन पे टिक लगा लो थर्ड ईयर वालों, ये मैं आपको वही बता रहा हूं तो पेपर में छपेंगे और आप खुद भरोसा करोगे कि जो हम क्वेश्चन देते हैं वही पेपर में आता है, बाकी कुछ नहीं आता यार, भरोसा करना सबसे बड़ी चीज है और भरोसा हम दिलागे रहेंगे आपको, आप भरोसा करिए हम पे, हम आपको एक सही रास्ता देंगे, समझ रहे हैं ना। अब यहां देखिए यहां मैंने तीन फसलों के नाम दे रखे हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कह सकते हैं ना पॉपुलर, समझ रहे हैं। अब क्या होगा,
ये सभी लोग जानते होंगे गेहूं से पता क्या होता है, रोटी बनती है हमारी, पता है गेहूं के आटे से रोटी बनती है। अब चावल तो दे रखा है, धान जिसे कहते हैं धान उगते हैं तो हम चावल खाते हैं ना, राइस भाई। अब देखो गन्ना शुगर कैन तो सभी लोग जाते होंगे, गन्ना जूस पीते हैं सब लोग, ठीक है ना। तो ये जो तीन फसलें हैं ना इनके बारे में मैंने आपको बता दिया भाई, ये सब लोग जानते हैं और इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से भी जानते हैं, क्या क्या होता है, कैसा क्या होता है, पोजीशन सब पता है, क्योंकि ये बिल्कुल शहर का भी लोग होगा ना वो भी इनके बारे में जानता होगा। और मुझे पता है इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब भी आ जाता है तो आप इसको बना बना के करके आओगे, कोई गलती नहीं करोगे मुझे पता है, ठीक है। एक बार आप पढ़ लोगे तो आप देखो तरीका क्या होगा इसका, ध्यान से देख लो, इसको राइट कर देते हैं बेटा। देखो ये है गेहूं, ये है चावल, ये है गन्ना, कि उत्पत्ति के बारे में बात कर रहा है। उत्पत्ति का मतलब क्या हुआ, वो कैसे उत्पन्न किया जाता है, वो कैसे उत्पन्न किया जाता है, उसकी कृषि, कृषि का मतलब क्या हुआ, खेती कैसे होती है भाई, उत्पन्न भाई यहां उपयोग, उसका उपयोग किस किस में होता है। अब एक बात मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं, ध्यान देना नई बात का, गेहूं की बात करने वाला है, व्हीट शुगर कैन राइस, ध्यान दो गेहूं की बात करने वाला है। अब आप कैसे करोगे, गेहूं कब किया जाता है बताओ भाई, नवंबर में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और फरवरी मार्च में काट लिया जाता है, यार क्लियर है ना, फरवरी मार्च में कट जाता है, कितने अक्टूबर, आपको सिंपल तरीके से गेहूं की खेती ऐसे हेडिंग डालो, गेहूं की खेती या गेहूं की उत्पत्ति या कृषि ऐसे कुछ भी डाल सकते हो, उत्पत्ति भाई क्या होता है, गेहूं कब बोया जाता है, अक्टूबर में, नवंबर अक्टूबर में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में, फरवरी मार्च में काट लिया जाता है, ठीक है, फरवरी मार्च में सब कट जाते हैं, अप्रैल में भी कट जाते हैं, अब तक सब कट चुके हैं गेहूं जहां भी है। उसके बाद में जैसे जैसे उसमें दो तीन पानी लगाए जाते हैं, सिंपल यार जो लिखना है बना से बना के कर सकते हो यार, ठीक है। गेहूं बोए जाते हैं, अब इनकी जो मतलब बीज जो बोया जाता है वो कितने क्विंटल मतलब कितने किलो बीघा के हिसाब से बोया जाता है, तो ये सब मेंशन कर सकते हो यहाँ, यार आपको सब पता है कि लगभग में देखो 8 से 10 किलो बीघा के हिसाब से बोते बोया जाता है, मेरे यहाँ तो बोया जाता है, मैं खुद बोता हूँ, मतलब हम लोग करते हैं तो हमें पता है इसके बारे में, 8 से 10 किलो बीघा के हिसाब से बोया जाता है। यदि इसको मशीन से बोया जाता है तो आप लगभग कर सकते हो, जो वाली मशीन देखी होगी जो लाइन लगा के चलती है ऐसे करके, तो वो जो चलती है उसमें लगभग 5 किलो बीघा के हिसाब से बोया जाता है, ठीक है। और हम लोग वैसे करके बोते हैं ना हाथ से, तो 8 से 10 किलो बो सकते हैं बड़े आराम से, 12 भी चल जाएगा, क्योंकि 12 करोगे तो और बढ़िया रहेगा, कोई बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जो ऊपर रह जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको बीजों का उपयोग अधिक किया जाता है। तो ये अपने हाथ से बना बना के लिखना है यार, समझो खेती कर रहे हो ना, तो खेती अलग अलग तरीके से होती है, कोई अपना तरीका लिखता है, तो हम जो भी अच्छा हमारा हमने जो करते हैं उसके तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में 20 से 21 दिन बाद याद रखना, 20 से 21 दिन बाद उसमें पानी लगा दिया जाता है, क्या पानी, पहला पानी लगता है 20 से 21 दिन बाद, बीज जब पहली या दूसरी पत्ती निकल आती है गेहूं की तब पानी, ठीक है, पानी लगा दिया जाता है। उसके बाद में खाद वगैरह लाई जाती है, ठीक है, और जब रोग लगते हैं उनके लिए कीटनाशक लगाए जाते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि कृषि कर रहे हो यार, खेती की बात कर रहा है तो भाई। उसके बाद में जब गेहूं तैयार हो जाता है तो उसका जो होता है उसे कंबाइन द्वारा या फिर हाथों द्वारा एकत्र किया जाता है, और मशीनों द्वारा क्या कर लिया जाता है, उसे पृथक कर लिया जाता है, ठीक है ना, भूसा अलग हो जाता है, गेहूं अलग हो जाता है, सिंपल तरीके से बना दो क्या देगा। अब जो भूसा होता है उसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, पशुओं के चारे में करते हैं, पशुओं के लिए करते हैं ना, भूसा जो निकलता है गेहूं का, और उसको हमारा जो गेहूं निकलेगा, गेहूं का हम लोग आटा दलिया, जो दलिया वगैरह देखा होगा, आटा दलिया सूजी वगैरह जो बनती है, मैदा बनती है, सूजी बनती है, सब किसकी बनती है, ये सब हमारी गेहूं की बनती है, तो वो यहाँ मेंशन करना है यार, कुछ और थोड़ी करना है, समझ रहे ना। अब उसके बाद में यदि चावल की बात की जाए, आप चावल देखिए जून जुलाई में बोया जाता है, ठीक है ना, जून जुलाई में चौहल लगाई जाती है, और भाई अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है, एक महीने पहले ही काट लिया जाता है, मान लो अक्टूबर में काट लिया जाता है पक्का तरीके से, इसको खत्म कर लिया जाता है, सब कुछ हो जाता है। वो चीज़ आपको यहाँ मेंशन करना है, इसमें पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें चौमासे होते हैं, चौमासे का मतलब जानते हो, बारिश होती रहती है, ठीक है, उनको चौमासा बोला जाता है, मगर हमारे यहाँ तो ऐसे बोला जाता है, तो बता रहा हूँ, बकलूल समझ लो मेरे बात को, समझ रहे ना, इस बात को समझ लेना ध्यान से। उसके बाद में इसको क्या करते हैं, इसको जब ये पूरा तरीके से तैयार हो जाता है तो इसको भी पृथक कर लिया जाता है, कंबाइन द्वारा कर लेते हैं, ये फिर हाथों से कुछ लोग झाड़ लेते हैं, बताए पुली बना लेते हैं, छोटी छोटी पुली बना के इस तरीके से झाड़ देना, वो तुमने देखा होगा यार, गांव के हो तो जानते होगे, और शहर के हो तो भी जान लो यार, वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, बहुत सारी मिल जाएंगी कि धान को
को पृथक किया जाता है, अलग कैसे करते हैं, तो वो चीज है। उसके बाद में क्या करोगे, धानों को क्या करते हैं, हम चावल बनाते हैं, चावल बनता है, धानों का चावल बनाते हैं, चावल बनाकर उसके बाद में हम चावल खाते हैं, राइस वगैरह जो होता है वो चीज, वो यहाँ पूरा लिखना है। और इसकी जो पूलियां होती हैं वो जानवरों के चारे में यूज की जाती हैं, ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद में गन्ना के बारे में, शुगर कैन के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, गन्ने की बुआई जो होती है वो गेहूं काटने के बाद हो जाती है। अभी गन्ने की बुआई भी चलेगी थोड़े दिन पहले और उसके बाद भी चलेंगी, ठीक है, काफी टाइम तक लोग अलग अलग बोते हैं, कोई इशू नहीं है। ठंड में भी लोग जो होता है ना वही कह सकते हैं, वही जनवरी फरवरी में भी बोते हैं लोग गन्ने को, तो टाइमिंग अलग अलग होती है जैसे चाहो। उसके बाद में गन्ने की बुआई होती है, उसमें पानी बो दिया जाता है, कुछ लोग कहते हैं गन्ने के साथ गेहूं भी कर लेते हैं, तो बहुत कुछ अलग है यार, ठीक है, मिक्सचर भी बहुत सारे करते हैं, तो वो चीज़ है। उसके बाद उत्पत्ति, गन्ने की उत्पत्ति होने के बाद में उसमें बहुत सारे कीटनाशक भी यूज किया जाता है गन्ने में, क्योंकि तुमने देखा होगा गन्ने का लाल सड़न रोग, इसमें ही दिखाऊंगा मैं आपको नीचे, लाल सड़न रोग लग जाता है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि आप उसको बना बना कर दोगे। मुझे पता है कि एक क्वेश्चन 100% आने वाला है और ये जो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बना बना के कर दोगे, ठीक है। अब गन्ने की खेती हो गई, उसके बाद में इसको फैक्ट्री पे ले जाया जाता है, काट के फैक्ट्री पे ले जाया जाता है, अगौले जो अगौला होता है ऊपर वाला, कंछी निकल के आती है, उसको जानवरों के चारे में यूज करते हैं, और उस गन्ने को फैक्ट्री पे ले जाकर पिरवा कर मिठाई वगैरह, मिठाई बनती है, चीनी बनती है जो आप देखते हैं, बूरा बनती है, सब इसी की बनती है, समझ रहे ना। और जो और उसके बाद में जो काला काला राइस वगैरह रह जाती है, क्या कह सकते हैं उसको, रावस बोलते हैं, रावस, काली काली जो जल के निकलती है उसको, वो निकल जाती है, उसको हम खेतों में दोबारा से डालकर अपनी खेती को अधिक उपजाऊ बना सकते हैं। तो ये चीज हम लोग मेंशन करेंगे वहां यार, और कुछ और थोड़ी कर रहा है, बना बना के लिख देना, चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, सहसंबंध का अर्थ क्या होता है, गुणांकों की व्याख्या, संबंधी नियम, सहसंबंध के बारे में लिख लेना, टिक लगाओ सहसंबंध के बारे में, टिक लगाओ फटाफट, सहसंबंध क्या होता है टिक लगा दो। उसके बाद में पौधों का संरक्षण पर एक निबंध, संरक्षण का मतलब जानते हो बेटा, संरक्षण का मतलब है यदि कोई पौधे को काट रहा है, कोई पेड़ों को काट रहा है, तो आप उसको कैसे बचाओगे, कैसे संरक्षण करोगे, ठीक है, वो आप अपने तरीके से बता दे रहा हूं, ठीक है। उसको होता है वाष्पशील तेल कौन सा होता है, वाष्पशील तेल के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ये वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो पेपर में आपके छप रहे हैं, ये अफीम मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, अफीम के बारे में, अफीम तो सभी लोग जानते होंगे, अफीम जानते हो, ब्लैक ब्लैक सी होती है अफीम, ठीक है। और कुछ लोग वो नहीं है, वो तो पाउडर होता है जिसे कहते हैं रानी, क्या बोलते हैं उसको, रानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीरोइन, हीरोइन सुना है, वो ऐसे करके ना वो लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे करके लगा लेते हैं, यहाँ रखते हैं ऐसे करके, बहुत सूंघते हैं दबा के, सफ़ेद सफ़ेद सी होती है, उसको हीरोइन बोलते हैं, ठीक है। और ब्लैक ब्लैक सी होती है उसे अफीम बोलते हैं, अफीम, अफीम, ठीक है, अफीम बोलते हैं, ब्लैक ब्लैक सी निकलती है, और काफ़ी अच्छी होती है, मतलब देखा है मैंने, खुद हाथ से छुआ भी है, और यूज खाने में थोड़ी कड़वी लगती है वो, मैंने थोड़ी सी चाकी थी, मैं बताऊँ तो सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बताएं, कुछ कहते हैं लोग कि ज़िंदगी में हर काम करना चाहिए, मेरे हिसाब से हर काम करना चाहिए, क्योंकि तभी उसका नॉलेज होता है कि वो क्या है। मैंने अफीम भी देखी है, हीरोइन भी देखी है, सब कुछ देखा है इस इतनी सी ज़िंदगी में, समझ रहे ना, तो वो चीज़ है। आपने मतलब एक टीवी पे देखी होगी, वो अलग है, मैंने अपने हाथों से देखा यार, हाथों से छुआ है उसको, यूज नहीं किया है लेकिन हाथों से छुआ है उसको, स्पर्श करके देखा है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमें देखो, मैं मेरा हिसाब, मेरा कहने का मतलब है कि इंसान को हर चीज़ पता होनी चाहिए, जिंदगी में हर काम करना चाहिए उसको, चाहे वो गलत हो या अच्छा हो, क्योंकि तभी उसको अच्छे और बुरे का फर्क नजर आता है, समझ रहे हैं ना। दूसरा बुरा करता है और आप अच्छे कर रहे हैं, तो आपको अच्छे की फर्क पता चल रहा है, लेकिन वो बुरा क्यों कर रहा है, समझ रहे हैं, उस बुराई में तो कुछ फर्क होगा। तो आप जब तक बुरा करके नहीं देखोगे ना, तब तक आपको अच्छा और बुराई में फर्क नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इंसान को मेरे हिसाब से सब कुछ करना चाहिए, तो वो मैंने अपने छोटी सी जिंदगी में करके देखा है, तभी मुझे इतना अनुभव है कि लाइफ में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, समझ रहे हैं। तो वो तरीका है। अब अफीम आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा, अफीम को जानते हो कैसे तैयार किया जाता है, वो आप देखेंगे। यहाँ देखो कह रहा है पराकणों का जीवन और अंकुरण के बारे में, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट रहता है, इसको आप एक बार टिक लगा लीजिए, मेसोपोनोलॉजी के बारे में। अब यहां देखिए ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये बहुलक जानते हो, मोल्ड बहुलक, बहुलक इज मोस्ट इंपोर्टेंट,
मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुलक, इसको टिक लगा लेना। काइबर का परीक्षण बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, हर साल पूछा जा रहा है, हर साल रट के जाना इन क्वेश्चनों को। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है, कोई पैदा नहीं बेटा, समझ लो मेरी बात को। यहां देखो क्या कह रहा है, पराकरण आकारिकी के बारे में आप ये पढ़ेंगे, उसके बाद में नीचे जाओ देखो इसमें क्या बोला गया है, औषधीय पौधे। देखो औषधीय पौधे कौन से होते हैं, मेडिसिनल प्लांट कौन से होते हैं, औषधीय पौधे कौन से होते हैं, जैसे कि नीम एक औषधीय पौधा है, अर्जुन एक औषधीय पौधा है। इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है यार कि नीम भैया कड़वा होता है खाने में, ये ऐसा होता है, इसकी पत्ती ऐसी होती है, मतलब बता दो थोड़ी कटीली पत्ती होती है, इसको खाने से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, तो ये औषधि नायक पौधा है। तो आप एक बार पढ़ लोगे ना अपने बुक में आपको क्या लिखा है, तो बेहतर तरीके से आपको मेंशन कर पाओगे इसको। एक होता है मसाले वाले पौधे, आप अरे मसाले वाले हल्दी वगैरह पौधे ही तो हैं, मसाले वाले पौधे ले लो, मिर्च वाला, मिर्च एक पौधा है ना, मसाले का है, आप यूज करते हो, बता दो। अदरक है, ये पौधा ही तो है यार, प्लांट ही तो है, उनके बारे में एक्सप्लेन तो करना है, कर दो। यह है दलीय फसलों का जैविक महत्व, दलीय फसलें जानते हो बेटा, दालें जो दाल हम खाते हैं वो दलीय फसल कहलाती हैं। अब यहां कह रहा है कि उनका जैविक महत्व क्या है, जैविक मतलब हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है, तो सबसे ज्यादा तो प्रोटीन हमें दालों से मिलता है, तो वही तो मेंशन करना है यार, कुछ और। हॉट स्पॉट मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको रट लेना, इसको रट लेना है आप सभी को। यहां देखिए उद्भव केंद्र के बारे में, सेंट्रल यहां देखा है, और इसको देखिए उद्गम केंद्र के बारे में, नारियल तेल का उपयोग कहां किया जाता है, नारियल तेल कैसे पढ़ोगे, यहां रेशम वाले पौधे में भी पढ़ेंगे, नीचे देख लेना अभी रुक जाओ, इसको टिक लगा लेना। ये क्या है मैक्रोब्स को इसको छोड़ो, यह तेल प्रदान करने वाले पौधे कौन कौन से बेटा, तेल नारियल से भी तेल निकलता है, तो यहां आप याद कर लोगे तो इस क्वेश्चन को यहां डाल दोगे, ठीक है। तेल प्रदान करने वाले पौधे कौन कौन से, लाई भी एक लाई है, सरसों जो होता है वो तेल प्रदान करता है हमें, ठीक है, जैसे हम सरसों का तेल खाते हैं सब्जी में डाल के, तुम लोग खाते हो सब्जी, छोंकते हो नहीं छोंकते हो, वही तो वही चीज, वो चीज। या कह रहा है पादप विविधता केंद्र पर निबंध, पादप विविधता केंद्र जानते हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप देख लेना, प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब ये वाला देखो, ये वाला, ये बोल रहा है पीय पदार्थ और अपीय पदार्थ, नॉन एल्कोहलिक रिजन और एल्कोहलिक, ठीक है, बेवरेज के बारे में, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों बनते हैं, ये 100% पेपर में छप रहा है, इतना ही पढ़ लो, कुछ और मत पढ़ो, मैं बोल रहा हूं कुछ और मत पढ़ो। यहां देखो रेसे क्या होते हैं, देखो मैंने बताया नारियल का तेल भी वहां यूज आएगा, रेसे प्राप्त करने वाले पौधे भी इनको बोला जाता है। रेसे क्या है, रेसे प्रदान करने वाले प्रमुख पौधों का वर्णन कौन कौन से है, एक होता है नारियल से भी हमें रेसा मिलता है, कपास से भी मिलता है और जूट से भी मिलता है। ये तीन प्लांटों के बारे में अच्छी तरीके से याद कर लेना है, मजा आ जाएगा, जिंदगी सवर जाएगी आप लोगों की, सच बता रहा हूं, ये पढ़ लो अच्छे तरीके से। यदि आपको 2022 में 85% प्लस चाहिए, मतलब ये आपको टॉपर बनना है, तो क्या बनना है, टॉपर बनना है, तो करना पड़ेगा, संघर्ष के बिना तो कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना है। कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। यार भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान जानते हो, नेशनल पार्क जिसे बोलते हैं, नेशनल पार्क, समझ रहे हैं ना, तो नेशनल पार्क, तो आप देख रहे हैं नेशनल पार्क को देख लेना। और यह है वनस्पति का बॉटनिकल गार्डन, जानते हो बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, भारत के अंदर लगभग में आपके बुक में बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन होंगे, आप यहां से 6 पढ़ लेना, इसमें भी 6 पढ़ लेना, बड़े आराम से आप बना के रहोगे। हमारे नोट को डाउनलोड कर सकते हैं, बड़े आराम से नोट से पढ़ सकते हो। यहां देखिए जैविक संख्यांकी क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा। और इसमें तीन चीप हो जाती है, मध्य, मध्यिका और बहुलक। मीडियम देखो, मोड, मोड को बहुलक बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं, मेन बोलते हैं, इन चार, इनको परिभाषा पढ़ लेना, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कह सकते हैं, वो पोजिशन निभाती है, ठीक है। उसके बाद में नीचे जाओ, ये वाला देखो, मानक विचलन क्या होता है, ये मानक विचलन के अंतर्गत आती हैं ऊपर वाली चीजें, ठीक है, मध्य, मध्यिका और बहुलक, ये पढ़ लेना। उसके बाद में क्या है, फील्ड जीन बैंक क्या होता है, इसको पढ़ लेना, फील्ड जीन बैंक के बारे में इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या होता है, देखो ये क्या बोल रहा है, फसली पौधे का गरुड़ करो या फिर पुनः स्थापना का मतलब क्या होता है बेटा, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं इसके बारे में।
थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, काफी दिन पहले पढ़ा था मैंने इसको, तो मैं आपको बता देता हूं। पुनर्स्थापना का मतलब होता है दोबारा से स्थापना करना, या देखो कह रहा है, और यहां उन्होंने कहा फसली पौधों का घरेलूकरण। घरेलूकरण का मतलब यह है कि आपने एक पौधा लिया, मान लेते हैं हमने एक केजी क्या लिया बेटा, एक केजी गेहूं लिए, क्या लिए बेटा गेहूं लिए, और उनको हमने एक अपने खेत जो आप देख रहे हैं इस खेत में बो दिया, बो दिया, सुन लो मेरी बात को समझ लो, इन खेत में हमने इस खेत में बो दिया, एक किलो को इस खेत में बो दिया। अब इसमें क्या हुआ, कुछ पेड़ इतने बड़े हो गए, कुछ छोटे छोटे रह गए, ये छोटे छोटे, कुछ पेड़ बड़े बड़े हो गए, ठीक है। अब ये देख रहे हो ना मेरी बात को, गेहूं के जो बड़ी फसल देख रहे हैं ना, जो बड़े बड़े पेड़ थे उनमें जो गेहूं आए हमारे, जो निकल के आई बालियां, उन बालियों को हमने काट लिया, इन तीन बालों और बहुत सारी थी, मतलब तीन बालियां मान लो और बाकी जो थे एक किलो में, बस खत्म, बहुत छोटे छोटे थे, बौने बौने पौधे कहते ना, बौने, ये लॉन्ग पौधे और अच्छे मोटी दानेदार थे। हमें लगा बहुत अच्छा यार, ये तीन दाने बहुत मजबूत है निकले हैं, मतलब बहुत गेहूं अच्छे आए हैं इसमें तो, और ज्यादा वजनदार मोटे गेहूं आए हैं, तो मजा आ गया हमें। तो हमने क्या किया, इसको इन तीनों बालियों को काटा, अलग रख लिया, अलग रख लिया तीनों बालियों को, इनको अलग रख लिया, और उसके बाद में अगले नेक्स्ट ईयर जो आए हमारा गेहूं का सीजन आया बोने का, तो हमने क्या किया, एक खेत था उसमें इन तीन बोलों से, तीन बालियों से जो भी बीज निकले, 10-15-100 या जो भी बीज निकले, 20-20 बीज निकले, तो 60 बीज हो गए, तो 60 पेड़ हमने तैयार कर लिए, वो भी इतने ही बड़े वाले थे जितने बड़े हमने काटे थे, मजबूत दानेदार, समझ रहे ना, वो भी निकले। हमने फिर इनको काटा लेकिन कोई छोटा नहीं निकला, इनमें कोई भी बौना पौधा नहीं हुआ, तो हमने बड़े बड़े सारे, बहुत अच्छी फसल हुई। हमें लगा कि यार हुआ क्या, हो गया हुआ, हमने अपना बीज घर पे ही तैयार कर लिया, वो भी बेस्ट क्वालिटी का, समझ रहे ना मेरी बात को। उसके बाद हमारे पास दूसरा खेत था, वही खेत था, नेक्स्ट ईयर को हमने उसका जो बाली काटी थी, बहुत पेड़ हो गए थे, 60 पेड़ों के मान लो 6 गुना और मान लो 60 गुना कर लो, कितने हो गए, 3600 पेड़ हो गए, मतलब कि 60 पेड़ों के 60 गुना करेंगे तो कितने हो गए, 3600 हो जाएंगे, 3600 गेहूं के पेड़ हमने बो दिए फिर खेत में, फिर 3600 के हो गए, समझ रहे हैं ना क्या हुआ, 3600 फिर पौधे। अब वो कैसे थे, मजबूत बड़ा मोटे दानेदार वाले, बहुत अच्छे किस्म के पौधे थे। तो ये जो कहला रहा है, हमने जो घर पे ही एक नई फसल का निर्माण कर दिया, यही कहलाता है घरेलूकरण बेटा, यही कहलाता है। अब आगे से आप क्या करोगे, इस तरीके से आ जाएगा, बना के कराओगे, मुझे पता है 100% आप बना के कर गया होगे, ठीक है। अब यहां देखिए सीड बैंक क्या होता है, आप इसको पढ़िएगा, क्रियो बैंक मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीड बैंक अफीम में ऊपर बता चुका हूं, पादप संसाधन के संरक्षण, पादप का मतलब होता है पौधों का संसाधन जो होता है उसका आप संसाधन संरक्षण कैसे करोगे, प्लांटों जो पौधे कट रहे हैं, ठीक है, वन कट रहे हैं तो उसको आप कैसे बचा सकते हो, ठीक है, वो आप देखेंगे। और यहाँ देखिए नीचे जाइए, मानक कोटि, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पॉलिनोलॉजी इसको पढ़ लेना, इसको छोड़ दीजिएगा, सतत विकास का निर्माण इसको पढ़ लेगा, आंकड़ों का संग्रह संरक्षण के बारे में इसको पढ़ लेना, टिक लगाओ फटाफट, लगाओ टिक लगाओ, लगा लिया, चलो नीचे चलें। उसके बाद में ये देखो, बस इतना ही पढ़ लेना, बाकी छोड़ो, हो गया काम तमाम खत्म। तो ये आप इतने क्वेश्चन पढ़ना है और 2022 में आप टॉपर बनोगे, मैं आपसे बोल रहा हूं, पेपर दे के जैसे ही आओगे तो आप ये कहोगे कि सूरज सर ने जो बताया था, सूरज राज सर ने, वही इस पेपर में आए हैं, आप हैरान मानोगे पेपर को देखकर। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और नया चैनल जो हमने खोला है खिलाड़ी भैया XYZ, उसका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, थोड़ा प्यार करिए यार उससे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करता है, थैंक यू।